अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल हसीब और आप देख रहे हैं वाइनिंग शॉप, आपका अपना चैनल। आपको बताइए कि आपका चैनल है वाइनिंग शॉप। और आज हम एक नया कॉन्सेप्ट के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हुए। नई वीडियो, नया कॉन्सेप्ट, मकसद आपके जहन को जो है वो फ्रेश करना है। फ्रेश मीन्स कि आपके दिमाग में जो डर है आर्मेचर को लेकर के उसको निकालना। तो चलिए देखिए आज का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काफ़ी दिन बाद बोल रहा हूँ वैसे तो मैं, अगर नहीं करा तो इसको ज़रूर कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया। आर्मेचर है ये चॉपर का, देख रहे होंगे आप ये, ठीक है। और इसकी रोटेशन है एंटी क्लॉक वाइज। अगर हम दूसरी जुबान में बात करें तो ये सीधी चूड़ी आर्मेचर बनता है। आज इसमें कुछ नया यूँ है कि 12 स्लॉट ये 24 फली का है। ये तो सबको अब तो ये नॉर्मल ही हो गया, यानी कि 12 स्लॉट 24 फली डबल कनेक्शन। मगर आज हम इसको डबल कनेक्शन में नहीं बनाएंगे, आज हम इसको बनाएंगे एक कनेक्शन, एक कॉइल तो डबल लूप में निकालेंगे और दूसरा कॉइल डालेंगे सिंगल। मकसद सिर्फ इतना है कि आप इसको कनेक्शन को लेकर के ना, बहुत से लोग अभी तक आज तक कन्फ्यूज़ हैं। जो रेगुलर काम करने वाले हैं वो लोग भी कन्फ्यूज़ होते हैं, और मेरा मकसद है कि इस कन्फ्यूज़न को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। कनेक्शन अगर 19-20 एक आध आगे पीछे हो जाता है तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि आर्मेचर को काट के दोबारा वाइंड करना पड़े, तो मैनेज हो सकता है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस काम को जो है आप ऐसे परफेक्ट हो जाओ कि अगर एक कॉइल आगे पीछे हो जाता है या कनेक्शन मिसप्लेस हो जाता है, मेरे से भी कुंडे आगे पीछे हो जाते हैं। वो ये बात नहीं कि हमको आँखें बंद करके बनाते हैं तो हमारा 100% सही होता है, ऐसा नहीं है। बाज़ दफ़ा कुंडा आगे पीछे हो जाता है, इसकी बात करूँ कम्यूटेटर की। बाज़ दफ़ा एक ही में दो दो कनेक्शन भी लग जाते हैं, यानी कि और फिर जब लास्ट में पता चलता तो वो पूरा खोलो तो सारी मेहनत भी बेकार और तार भी बेकार। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ऐसी कंडीशन हो तो आपको आर्मेचर मैनेज कैसे करना है, ताकि आप उसी आर्मेचर को चला सको, ना कि उसको दोबारा काट के वाइंड करो। चलिए बातें बहुत हो गई, अब मैं करके भी दिखाता हूँ कि ये कैसे बनता है। इस तरह अगर हो जाए ऐसी सिचुएशन में, तार अल्मोनियम यूज़ कर रहा हूँ मैं आजकल, पता नहीं क्या भूत सवार हो गया। इससे आर्मेचर बड़ा खूबसूरत बनता है और बैलेंस बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। और अभी तक मैं जब आर्मेचर चला कर देता हूँ तो मैं डेट डाल के देता हूँ, अभी तक तो कोई वापस नहीं आया। बाकी नेक्स्ट अगर कभी आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कितना चल के वापस आया। तो आप भी एल्युमिनियम को एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना मेरे कहने पे। इसमें ख़र्चा भी कम है, बचत ज़्यादा है और चलता भी अच्छा है। अच्छा अब देखो ये कि, और दूसरी बात ये, आज एक बंदे का फ़ोन आया, दोस्त है मेरा, वो बोल रहा है कि जब कनेक्शन आप शुरू करते हैं 10 पे तो जाके वो 12 पे लगता है, और आप बोलते हो कि पहला और आखिरी मिलता है, तो जब पहला और आखिरी मिलता है तो 10 पे लगाया तो फिर 12 पे कैसे चला गया। ठीक है, दिमाग में आ गई उसकी, लेकिन आप जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसको देखा करो कि मैं क्या कह रहा हूँ, वीडियो स्किप नहीं करा करो, हर मैं कोई भी बात फालतू नहीं करता। अब देखो हमने अभी कोई यहाँ से शुरू करा, यहाँ से शुरू करा, यहाँ से मैं बता देता हूँ। अभी रिवर्स वाइंडिंग बनाऊँगा तो शुरू यहाँ से होगा, मगर जब आखिरी कॉइल डलेगा, आखिरी कॉइल, तो वो यहाँ आके बंद होगा। ठीक है, यहाँ इधर से शुरू करा मगर एंड वाला कॉइल इसमें नहीं डलेगा, एंड वाला कॉइल ऑटोमेटिक इसमें आएगा। तो जब इसमें आएगा तो कनेक्शन दो पीछे होंगे कि नहीं होंगे, तो ज़ाहिर है जब मैं 4 पे लगा के इसको पीछे की तरफ वाइंड करूँगा, इस पर बंद होगा तो कनेक्शन तो 2 पे आएगा। और जब आखिरी कनेक्शन हम देखेंगे कि हमारा 2 पे लगा हुआ, तो मकसद यही होता है कि वाइंडिंग शुरू आगे वाले स्लॉट से होती है, और जब पीछे को हम चलेंगे तो बंद वो पीछे वाले इस पर होगी, उसके एक आगे या एक पीछे, तो कनेक्शन ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा। ये चीज़ें होती हैं। अब इसका कनेक्शन है 4 पे, रिवर्स वाइंडिंग है, 1, 2, 3, 4। बंद पे इसका कनेक्शन 2 पे आएगा। ठीक है, हमने यहाँ से शुरू कर ली, तार को ऐसे घुमाया, वापस इसी में लेके आ गए। आज पे एक कनेक्शन निकालूंगा इस पे,
ठीक है। अब ये इसके पीछे वाले पे लगेगा, जिस तरफ को वाइंडिंग चलेगी कनेक्शन हमेशा उस तरफ चलते हैं, ऐसा नहीं होता। लूपों में होता है कि आगे वाइंड पीछे लूप, पीछे वाइंड आगे लूप, इस तरह, क्योंकि वो कनेक्शन हाथ के हाथ हो जाते हैं। लेकिन जब जाल में हम आर्मेचर को वाइंड करते हैं तो जिस तरफ को वाइंडिंग चल रही होती है कनेक्शन हमेशा उसी तरफ को चलता है, ऐसा नहीं कि वाइंड पीछे कर रहे हो कनेक्शन आगे लग रहा है, ऐसा कोई लूपों में ऐसा कोई इसमें सॉरी जाल में ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं होता। ठीक है, अभी ये एक कनेक्शन लग गया। अब इसमें फिर वापस इसी में 50 डालेंगे। वीडियो को गौर से देखना कि मैं करने क्या वाला हूँ इसमें। ठीक है, ये दूसरा भी कंप्लीट हो गया कनेक्शन, फिर उसके पीछे लग जाएगा। अभी यहाँ से आपने ये वाला जो कॉइल है इसको गौर से देखना, ये कॉइल मैं डबल नहीं डालूँगा। ठीक है, डबल मतलब कि इसमें डबल लूप नहीं निकालूँगा। ये अगर उसमें मैंने 50 डाले तो इसमें सिंगल कॉइल डालूँगा। ठीक है, इसकी लूप एक ही निकालूँगा मैं, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसको कैसे मैनेज करना। ठीक है, ये हो गया सिंगल कॉइल। अब ये सिंगल कॉइल है मगर हमारे जो सेगमेंट हैं हम इसको इस्तेमाल करेंगे दो को एक साथ। कट लगेगा लंबा, पहले इसको ले लिया। अभी आप ये गौर से देखो, ठीक है, और फिर इसके जो बराबर वाला है उसको भी हमने इसके साथ लगा लिया। ये आप देख रहे हो ना, एक और ये दो, ये दोनों को मिला लिया मैंने वापस। पहले हमने डबल लूप निकाली, अब हमने सिंगल लूप में डबल कुंडा यूज़ किया है। एक अकोमोडेटर का दो सेगमेंट एक लूप में हमने शॉर्ट कर दिए। ठीक है, अब वापस घुमाएंगे तो उसके बाद जब हम तीसरा कॉइल डालेंगे तो ये फिर से हम डालेंगे डबल लूप का। एक डबल लूप का डालूँगा, एक सिंगल लूप का डालूँगा, एक डबल एक सिंगल। बात जहन में आ रही है? और आप अब आपके दिमाग से ये डर निकलना चाहिए कि कनेक्शन जब आगे पीछे कुछ 19-20 हो जाता है तो आर्मेचर को वापस काटने की ज़रूरत नहीं है, आर्मेचर चल सकता है। ठीक है, वीडियो अभी मैं रोकता हूँ, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर बनाकर आपको चलाकर चेक करवाता हूँ। ठीक है, ये तीसरी का सिंगल और ये एक कनेक्शन लगा लिया। अब इसी के अंदर वापस फिर से 50 डालेंगे। अब जो अब ये कनेक्शन देख लो आप, ये सिंगल, उसके बाद ये सिंगल और ये भी सिंगल, यानी कि ये पहला और उसके बाद दो सिंगल और ये हमने डबल शॉर्ट किया इसको। ठीक है, ये देखो ये डबल कनेक्शन लगा दिया हमने एक ही पे, और उसके बाद फिर सिंगल सिंगल लूप, एक डबल लूप निकलेगी एक सिंगल लूप निकलेगी, लेकिन कुंडे ऊपर उस पर दोनों पे शॉर्ट होंगे। ऐसी वीडियो सिर्फ आपको बाइंडिंग शॉप पे ही मिलेंगी, बाकी आप कहीं भी ढूंढते रहोगे चिराग लेके भी तो कहीं से कुछ मिलने वाला नहीं है। और मेरा मकसद है कि काम को मज़ीद आसान करूँ आपके लिए, तो इसलिए चैनल पर जो है वो आप वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को स्किप नहीं किया करें। अभी मैं पूरा वाइंड कर लेता हूँ, फिर आपको फिट करके चला कर चेक करवाता हूँ।
अब ये देखें कॉइल आखिरी ख़त्म हो गया और ये दो लास्ट में एक ये बच गया खाली और यहाँ से हमने शुरू किया था ये दोनों खाली बच गए। अब हम इन दोनों पर कनेक्शन लगा देंगे ठीक है और इस पे अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ फिर आप देखो ये देखो ये डबल हो गए दोनों एक और ये दो उसके आगे दो सिंगल हो गए उसके बाद फिर ये दो आपस में डबल हो गए फिर ये दो सिंगल हो गए और ये फिर दो डबल हो गए दिख रहे हैं ना ये देख ये तार जा रहा है अंदर एक सिंगल एक डबल एक सिंगल एक डबल। अभी मैं इसको पेपर काट के वार्निश के बगैर ही आपको चला कर चेक करवाता हूँ वार्निश में बाद में कर लूँगा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये भी मैंने इसकी पेपर वगैरह बिठा लिया अब हम इसको फिट करके पहले चेक कर लेते हैं फिट कर लिए और अभी मैं आपको ये चलाकर चेक करवाता हूँ पहले हम सीरीज़ पे लगा लेते हैं। बिल्कुल नॉन स्पार्क मोटर हमारी तैयार हो चुकी है माशाल्लाह। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। और मैं वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आपका जो शुरू है ना आर्मेचर वो अगर सही है तो बीच में आप कुछ भी 19-20 हो भी जाता है तो कवर हो जाता है। तो आप मेरे बताए हुए तरीके पर एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा हमें दोनों याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।